बॉलीवुड की क्यूटेस्ट एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर जल्द शादी करने वाली है। क्या श्रद्धा जल्द ही साथ फेरे लेने वाली हैं? अरे नहीं नहीं, ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि सोशल मीडिया पर ऐसी अफवाहें चल रही हैं। श्रद्धा फोटोग्राफर रोहन श्रेष्ठ को डेट कर रही हैं और ऐसी अफवाहें कब से आ रही हैं कि वे जल्द बॉयफ्रेंड संग शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं। अब इन अफवाहों पर श्रद्धा कपूर की रिलेटिव पद्मिनी कोल्हापुरे और पद्मिनी के बेटे प्रियांक शर्मा ने रिएक्ट किया और फैंस को सच्चाई बताई है। प्रियांक ने इंटरव्यू में कहा, मैं तो इस पर सिर्फ नो कमेंट्स कहूंगा, मैं इस पर क्या बोलूं यार, पर हाँ, आप अगर दोनों को भविष्य में शादी करते हुए देखना चाह रहे हैं तो ये अच्छा है, भविष्य के लिए शादी एक अच्छी चीज है, क्यों नहीं। प्रियांक के बाद उनकी माँ और बॉलीवुड एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरे ने भी अपना स्टेटमेंट दिया। शादी, वाह, ये बहुत ही अनजाना सवाल है, अगर ऐसा कुछ भी होगा तो खबर मिल जाएगी। श्रद्धा कपूर और रोहन श्रेष्ठ के अफेयर की खबरें काफी समय से चर्चाओं में है और दोनों को कई बार एक साथ स्पॉट भी किया जा चुका है। कुछ समय पहले पद्मिनी कोल्हापुरे के बेटे प्रियांक शर्मा की शादी में भी श्रद्धा कपूर और रोहन को साथ में देखा गया। कुछ दिन पहले रोहन के पिता राकेश ने भी एक इंटरव्यू में ऐसे हिंट दिए थे। उन्होंने कहा, अगर वे दोनों शादी करना चाहते हैं तो मेरी दुआएं हमेशा उनके साथ हैं। मैं उनके लिए खुशी खुशी कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मेरी डिक्शनरी में दखल शब्द की कोई जगह नहीं और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं रोहन को अपना सपना मानता हूँ और उन्हें माय ड्रीम कहकर ही बुलाता हूँ। बहुत कम ही ऐसा हुआ होगा जब मैंने उन्हें उनके नाम से बुलाया हो। हालांकि कपल ने अपने इस रिलेशनशिप के बारे में अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है। बहरहाल, अगर श्रद्धा कपूर और रोहन की शादी होती है तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा, ये हमें कमेंट्स में बताएं। ABP News, आपको रखे आगे।